गाइज वीवो अपना नया स्मार्टफोन वीवो Y19 जल्द ही भारत में लेकर आ रहा है और इसका सीधा सीधा कंपैरिजन बनता है इसी के पिछले दो ब्रांड्स के साथ जो कि Y17 और Y15 है। तो हम तीन ही फोन्स का आज करने वाले कंपैरिजन, जानेंगे कौन कौन से आपको ड्रॉबैक्स और अच्छे फीचर्स दोनों फोन्स में देखने को मिल जाते हैं तीनों फोन्स में। अगर हम सबसे पहले बात कर ले तीनों फोन्स के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सबसे बड़ा साइज Y19 में देखने को मिल जाएगा और यहीं पर आपको केवल फुल HD+ डिस्प्ले मिलती है। बाकी दोनों फोन्स में आपको केवल HD+ रेजोल्यूशन देखने को मिलते हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर आपको केवल वीवो Y19 में एक अच्छा वीडियो एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, वहीं पर तीनों फोन्स में हमें IPS LCD का यूज किया गया है, तीनों फोन्स में सेम है। ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर वीवो Y19 में आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी कंपैरिजन टू दोनों फोन से अच्छी देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें तीनों फोन्स के परफॉर्मेंस की, तो तीनों फोन्स में आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा प्रोसेसर के मामले में। अगर हम बात करें वीवो के Y19 में, तो इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो P65 देखने को मिलता है, तीनों फोन्स में 12 नैनोमीटर बेस्ड है। और वहीं पर वीवो के Y17 में आपको मीडियाटेक हीलियो P35 और वहीं पर वीवो के Y15 में आपको मीडियाटेक हीलियो P22 देखने को मिलता है। और वहीं पर अगर हम बात कर ले ग्राफिक्स की, तो यहाँ पर Y19 में हमें माली G52 MC2 देखने को मिलता है और वहीं पर Y17 में आपको पावर VRGE8320 देखने को मिलता है, जो कि सेम हमें वीवो के Y15 में देखने को मिल जाता है। तीनों फोन्स में हमें Pi 9.0 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, और उसके साथ साथ हमें यहाँ पर Y17 और वीवो के Y15 में हमें फ्रंटच 9 की सपोर्ट देखने को मिलती है, वहीं पर वीवो के Y19 में हमें फ्रंटच 9.2 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। आगे बात कर लेते हैं तीनों फोन्स के कैमरास की, तो यहाँ पर आपको तीनों फोन्स में ट्रिपल रियर बैक सेटअप देखने को मिल जाएगा। तीनों फोन्स में आपको बैक में रियर में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। अगर हम बात कर ले कैमरास की, तो यहाँ पर वीवो के Y19 में हमें 16+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा बैक में देखने को मिलता है, वहीं पर वीवो के Y17 में हमें 13+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है, वहीं पर आखिर में Y15 में हमें 13+8+2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट की बात करें, तो यहाँ पर हमें Y19 और वीवो के Y15 में हमें 16 मेगापिक्सल का एक वाटर ड्रॉप नोच कैमरा देखने को मिलता है, वहीं पर Y17 में भी हमें वाटर ड्रॉप नोच कैमरा देखने को मिलता है, बट यहाँ पर हमें 20 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलेगा। तो ओवरऑल बात करें तो फ्रंट में हमें यहाँ पर वीवो Y17 आगे निकल जाता है, और वहीं पर अगर हम रियर की बात करें तो वीवो का Y19 आगे निकल जाता है। तीनों फोन्स के बैटरीज की, तो यहाँ पर वीवो Y19 में हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, और वहीं पर दोनों फोन्स में सेम हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तीनों फोन्स में हमें फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी, तीनों फोन्स में हमें बॉक्स में 18 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल बात करें तो तीनों फोन बैटरी के मामले में बेस्ट है, आपका फ़ोन 1 से 1.5 घंटे में फुली चार्ज हो जाएगा। तो अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लगती है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।